हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम थोड़ा और चेंजेस कर रहे हैं। और गाइस सॉरी कि हम बहुत ज़्यादा लेट वीडियो लेके आ रहे हैं। अब कोशिश करेंगे हम कि कंटिन्यूस वीडियो लेके आएँ, और मतलब हो सके तो वीक में एक या दो वीडियो डाल दें। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि आपने जितने भी कमेंट करे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा था कि एक बैटरी पर वीडियो बनाओ और बैटरी कैसा लगाते हैं राजदूत में, उस पर वीडियो बनाओ, तो हम वो बनाने वाले हैं आज। तो सब चेक करने वाले हैं हम कि कैसे मतलब अपनी राजदूत क्या वोल्टेज देती, और उसके अकॉर्डिंग हम रेक्टिफायर बना सकते हैं, या फिर उसके वोल्टेज रेगुलेटर से हम अटैच करके उसको बनाएं, या फिर मतलब उससे अटैच करके हम बैटरी लगाएं, तो उस तरह से हम देखेंगे गाइस। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस हम क्या करने वाले हैं अभी कि हम मेरे पास ये मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर से मैं चेक करूँगा इसमें कि वोल्टेज कितना दे रही है, एसी करंट देती है तो कितना एसी करंट दे रही है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जो डीसी जो वोल्टेज रेगुलेटर से डीसी निकलता है इसमें, तो डीसी भी चेक करेंगे कितने वोल्टेज वहाँ से दे रही है, तो वो चेक करके हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले हम ये खोल लेते हैं, स्विच वगैरह निकाल लेते हैं और टंकी निकाल लेते हैं, तो जिससे हम क्या प्रॉपर वायरिंग आपको मैं दिखा सकूँ। तो गाइज ये तो है इसका सीडी है, और इसका ये रहा वोल्टेज रेगुलेटर। इसमें से हम क्या करेंगे कि एक तो दो सप्लाई इसमें अंदर एसी की जाती है, मतलब एक सप्लाई जाती है एसी की जो इंजन से आती है, और वहाँ से डीसी की सप्लाई निकलती है इसमें। तो गाइज मेरे को ऐसा लगता है कि शायद यही यहाँ से निकलती है डीसी, तो एक बार चेक कर लेंगे कि वहीं से निकलती है प्रॉपर। तो इससे पहले मैंने क्या करा था कि जिसमें जो वायरिंग पूरी थी ना, वो पूरी वायरिंग मैंने स्प्लेंडर की लगाई थी, तो स्प्लेंडर के हिसाब से मैं इसकी कॉम्बिनेशन स्विच भी स्प्लेंडर का लाया था, और ये लाया था तो ये टूट गया था ये, तो हमने बाद में राजदूत की वापस लगाई, तो कॉम्बिनेशन स्विच में नया लेके आया हूँ, तो इसका कॉम्बिनेशन स्विच बदल देते हैं ताकि हम कंट्रोल्स वगैरह चेक कर सकें। जैसे इंडिकेटर की वायरिंग अभी हमने कम्प्लीटली करी नहीं है इसकी पीछे की, तो पीछे के तो चल ही नहीं रहे, और आगे के चलते हैं पर वो ब्लिंकिंग नहीं करती, इसमें हमको ब्लिंकर लगाना है, ब्लिंकर की भी वायरिंग करनी है, तो ये वायरिंग बाकी है, तो वो चीज़ करनी है। तो गाइज वो भी फिट कर देते हैं, उसके साथ ही फिर बाद में हम इसका, मैंने वो हॉर्न भी जो पुराना था वो पुराना ठीक करा है अभी, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये रहा हॉर्न, इसमें गाइज इसको मैंने खोला था, चेक करा था, ये राजदूत का ही पेरा पुराना था जो हम जब लेके आए थे हम, तो गाड़ी में ये लगा हुआ था, तो इसको मैंने खोल के देखा तो अंदर एक वायर इसका निकला हुआ था, तो सोल्डर वापस करा है मैंने, तो इसको चेक करूँगा इस बार एक बार लगा के कि काम करता है कि नहीं करता है। तो हमने ऐसे तो दो हॉर्न लगा रखे इसमें इनको, पर ये डीसी से चलेंगे, तो एक बार ये देखते हैं, क्योंकि इसमें एक रेक्टिफायर अंदर बना हुआ था, मेरे को लग रहा है कि एसी से चलेगा, तो हो सकता है राजदूत की वायरिंग से चल जाए, तो एक बार चेक कर लेंगे गाइस वो भी। तो गाइस ये दो कनेक्शन हमने कर रखे थे दोनों आगे के इंडिकेटर के, तो ये चलते थे बाकी ब्लिंक नहीं करते थे। ये गाइस तो हम ये वाला लेके आए थे, ये राजदूत का ही है जो ओरिजिनल आता था, बाकी ये फिर तो अभी आफ्टर मार्केट है, तो प्लास्टिक का है, पहले तो मेटल के आते थे ये भी, तो ये फिट करेंगे इसमें। तो गाइस ये हमारे पास पुराना इसका ओरिजिनल था, ओरिजिनल कॉम्बिनेशन स्विच आप देख सकते हो इसमें, ये पूरा मेटल का है, मतलब एल्यूमिनियम का है पूरा ये, और बहुत हैवी था ये, तो अब तो इसकी 12 बज चुकी है, मतलब पूरा वायर कट चुके हैं सारे, और बटन भी सर ख़राब हो गए थे। तो गाइस ये सबसे बेस्ट था देखा जाए तो, बहुत हैवी मटेरियल था, और अब तो देखो तो इसका पूरा प्लास्टिक का था ये। तो गाइस इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे इसमें ना एक पहले से होल है, हाँ ये जो होल है ना गाइस, तो ये मैच नहीं कर रहा है इससे, जैसे ये इसमें जो ये है ना पिन, ये पिन इसके अंदर जाना चाहिए होल के अंदर, तो ये जा नहीं रही है, जैसे इसको यहाँ लगाते हैं तो ये लगभग इसके पास में यहाँ पर पिन आ रही, तो इसको हम खसकाने पर ये ज़्यादा आगे जा नहीं रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं कि नया होल करेंगे जिससे ये परफेक्ट बैठ जाए यहाँ पर, फिक्स हो जाए इसके अकॉर्डिंग, ऐसा हम फिक्स कर देंगे और इसको वापस इधर रिटर्न पास में कर देंगे, तो यहाँ एक होल करेंगे इसके जस्ट पास में हम। तो पिन दिख रही है, इस पिन के ऊपर हमने एन पॉलिश लगा दी थी, तो उसको हमने फिर वहाँ जहाँ हमको फिक्स करना था वहाँ करके देख लिया, और इन एन पॉलिश से मार्क हो गया है, तो हम यहाँ पर इसको होल कर देंगे अब, और इसको फिक्स कर देते हैं। ड्रिल काम देखो ठीक है, गाइस को ज़्यादा टाइट नहीं करते क्योंकि ये पिछली बार हो सकता है ब्रेक हो जाए, पिछली बार मैं उसको
तोड़ दिया था ज़्यादा टाइट करने के, ये प्लास्टिक का था, ज़्यादा हैवी मटेरियल मटेरियल नहीं है। ज़्यादा कसने में टूट वूट गया था। ये जो ब्लू वाला है ये हेडलाइट का है, इसको हम हेडलाइट के ब्लू में लगा देंगे। तो गाइस हमने गाड़ी का कनेक्शन जो इंडिकेटर वगैरह सारे कनेक्शन कर लिए हैं, कॉम्बिनेशन स्विच वगैरह जिस तरह से दिए हुए थे उस तरह से हमने प्रॉपर सबको लगा लिया है। और फ्लेशर भी कनेक्ट कर दिया ये, तो फ्लेशर की वायरिंग कुछ इस तरह से है। सामने से देखे तो पिंक बीच में है और राइट में ग्रे है और लेफ्ट में ऑरेंज वाला है, और चारों काम कर रहे हैं अभी हम देखे हमने चेक करके। तो गाइस मैंने इसमें वोल्ट मीटर लगा के देख रहा हूँ मैं इसका करंट कि कितना आ रहा है कितना नहीं। ये जो दिख रहा है आपको ब्लैक में रेड में ब्लैक, ये वाला वायर जो आता है इसमें आता है, क्या बोलना चाहिए, अपने इंजन से एक वायर आता है जो वोल्टेज रेगुलेटर में जाता है वाला, तो इसको मैंने इसमें प्लस और इसमें माइनस लगा के वोल्ट मीटर मैंने चेक करा। तो गाइस इसके जो रिजल्ट तो कुछ और ही आ रहे हैं। गाइस इसमें तो बहुत ज़्यादा ही वेरिएशन आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है रेक्टिफायर बनाना पड़ेगा। तो एक बार रेक्टिफायर बना के उसके बाद उसमें कनेक्शन लेके और फिर एक बार चेक करते करंट कि डीसी करंट क्या आ रहा है उसमें, क्या नहीं आ रहा है वोल्ट मीटर से। तो उसका चलो फटाफट रेक्टिफायर बनाते हैं। मैं डायोड वगैरह और कैपेसिटर सब लेके आया हूँ मैं, तो जिससे अपन उसको बना के देख लेते। तो गाइस ये डायोड है और ये कैपेसिटर है जो मैं लेके आया था, तो ये दो चीज़ें यूज़ करके बनाएंगे। इसमें चार डायोड यूज़ होंगे, तो इसके जो कनेक्शन होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, ये आप देख सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो कैथोड, मतलब इसके जो कैथोड होता है ना, जो रिंग वाला साइड है इसको कैथोड बोलते हैं और जो ब्लैक वाला साइड है इसको एनोड बोलते हैं। मतलब कैथोड मतलब पॉजिटिव साइड और ये वाला नेगेटिव साइड। तो इसको दो डायोड लेके कैथोड कैथोड कनेक्ट कर लेंगे अपन आपस में। इस तरह से और दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे, मतलब कैथोड और एनोड और कैथोड एनोड साइड। गाइस ये इस तरह से चारों डायोड कनेक्ट हो गए, जिसमें दो आपस में कैथोड कैथोड है और दो आपस में एनोड एनोड है, और दोनों की अपोजिट साइड दोनों साइड कनेक्ट होंगे, इस तरह से कनेक्ट होंगे। और जो कैपेसिटर है, तो इसमें कैपेसिटर में एक साइड आपको दिख रहा है जो नेगेटिव साइड बता रखी है, तो ये नेगेटिव, ये जो एनोड वाली साइड है दोनों साइड यहाँ पर कनेक्ट होगा और एक पॉजिटिव साइड में कनेक्ट होगा ये जो अब बची हुई साइड। तो ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है, इसमें इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये रेक्टिफायर बन चुका अपना, तो इसमें जो मैंने आपको बताया कि दो जो पॉजिटिव साइड जो जहाँ पर कैथोड कैथोड और जो एनोड एनोड है, तो यहाँ पर दोनों इधर पॉजिटिव साइड में और नेगेटिव साइड में यहाँ पर डीसी मिलेगा, और जो बाकी दो अदर साइड है यहाँ पे एसी देना है अपने को। तो ये दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव, तो बस यहाँ से अपन यहाँ राजदूत में से कनेक्शन लेंगे दोनों साइड में, और इधर जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो कैथोड और एनोड साइड है, तो यहाँ से अपन बैटरी में देंगे कनेक्शन जो जो इसको चार्ज करेगी। तो चलेगा इसको फिट कर लेते हैं यहाँ पे सोल्डर करके, पहले इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, परमानेंट कर लेता हूँ, मेरे पास सोल्डरिंग आयरन है तो कैपेसिटर का सही कर लेता हूँ और फिर एक्स्ट्रा पार्ट काट देता हूँ। तरह शोल्डर हो गए दो वायर, और मैं क्या करूँगा कि दोनों साइड इधर और इधर दोनों साइड रेड वायर लगा देता हूँ ताकि ये वो एसी के लिए हो जाए।
पेट्रोल यूँ की गाइस, जो हमने आरआर यूनिट ये लगाया था इसमें मतलब आ तो रहा है बाकी इतना एग्जैक्ट भी नहीं आ रहा है। कभी 5, 6, 7 और ऐसे 8 ऐसे मतलब जितना एग्जैक्ट नहीं आ रहा। और जो ये जो हमने रेक्टिफायर लगाया इससे हमको क्या हो रहा है कि 8, 10 के आसपास आ रहा है। तो 10 वोल्ट हमको मतलब मिल रहा है, मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है और वोल्टेज अच्छा मिल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये लगा दूँ बजाय इसको लगाने के। इसको लगाने से कोई मतलब नहीं है तो मैं ये हटा रहा हूँ इसको। तो चलिए गाइस वो लगाते हैं। रेक्टिफायर हमने जो बनाया था इसको हम लगाने वाले हैं कहाँ पर, जहाँ अपने इंजन से दो वायर आ रहे हैं जो लाइट कोयल के, उनमें डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे इसको हम। और उसके जो इसमें से जो डीसी निकलेगा, जो दो वायर डीसी के हैं, ये हम डायरेक्ट बैटरी में देंगे। तो गाइस पहले हम क्या करने वाले हैं कि ये कम्प्लीट करने से पहले हम एक बैटरी के लिए सेटअप बना लें यहाँ पर कि बैटरी कैसे लगाना है हमको। तो फिलहाल तो मैं ये पुरानी बैटरी हमारी जो है ये वाली, इस बैटरी के नप्ती से बना रहा हूँ। तो एक बार मैं इसमें डिस्कवर की बैटरी लगा चेक करूँगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए पोस्टर लेके आया हूँ। पोस्टर से पहले मैं एक बार फ्रेम पूरी बना के देख लेता हूँ कैसे बनाना है, फिर इससे साइज़ का हम पूरा एक मेटल सीट काट लेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं। तो गाइज ये जो क्लिप्स आपने देखी, ये हमने कुछ दिन पहले मतलब लगभग हमको 2 महीने हो गए, 2 महीने से 2 से 3 महीने हो गए हमको। अभी तक हमने एक भी वीडियो बनाया नहीं, कुछ भी हमने बनाया नहीं। ये हमने 2 से 3 महीने पहले हमने ये गाड़ी में बैटरी लगाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हम रेक्टिफायर से बनाने की कोशिश रेक्टिफायर लगा के बैटरी लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गाइस वो हो नहीं पाया, हम प्रॉपर वोल्टेज मेज़र नहीं कर पाए क्योंकि वो गाड़ी सर प्रॉपर वोल्टेज देती नहीं है, फ्लक्चुएट होता रहता है वो, इसलिए। तो अभी तक आपने जो क्लिप्स देखी वो हम इसमें ट्राई कर रहे थे। तो अब हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में वो कन्फर्म को बताएंगे हम कि कैसे हम बैटरी लगाने वाले हैं और कैसे आपको जो भी मतलब बैटरी सेटअप पूरा फुल राजदूत काम बताएंगे आपको। तो गाइस आपको मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।